बीच पैसों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच तहसील पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को करीब 1,35,00,000 रुपए नगद के साथ पकड़ा। पकड़ा गया व्यक्ति यशोधर नगर निवासी शाकिर खान हाजी नासिर खान बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तहसील पुलिस ने महल के नंगा पुतला चौक पर जाल बिछाकर बुधवार रात करीब 9 बजे संदिग्ध एक्टिवा को रोका। वाहन की डिक्की और बैग की तलाशी में पुलिस को नोटों के बंडल बरामद हुए। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर वाहन और नगदी जब्त कर ली गई। इस संबंध में अधिक जानकारी पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने साझा की है। कल लगभग 8:30 बजे के आसपास में हमको खबर मिली। हमारे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बुआ तहसील के, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक एक्टिवा स्कूटी जो है उसके ऊपर कुछ पैसा कोई लेके जा रहा है। उसके पास वर्णन भी हमको मिला और उस वर्णन के अनुसार उन्होंने अपने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म किया और अपनी टीम को वहाँ पे भेजा। और टीम ने जब चेक किया तो उसमें जो एक प्लास्टिक की जो पिशवी रहती है उसके अंदर बैग के अंदर कुछ उनको पैसा नज़र आया। तो ये उससे जब पूछा गया कि ये किसका पैसा है कैसे है, तो उसने समाधानकारक कोई ऐसा उत्तर दिया नहीं, ना उसके पास में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स थे। तो ये सब चीज़ों को लेके वो पुलिस स्टेशन में गए और उसमें बाद में जो है दो पंच, जो हमारा जो एज पर रूल्स है तो दो पंच और उसके सामने जो है, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो इसमें जो है संबंधित जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, वो भी वहाँ पे आए। और ये सब मामला जब पूरा पैसा चेक किया गया तो उसमें जो पिशवी थी उसके अंदर लगभग 1,35,00,000 रुपए मिले हैं। उसके अलावा उसके जो पॉकेट थी उसका भी सर्च लिया गया, बाकी उसके पास में लगभग 4,500 रुपये एडिशनल मिले हैं और स्कूटी जो उसके पास में थी वो। तो कुल मिला के उसमें जो टोटल है 1,35,49,250 का जो है पूरा मुद्देमाल प्रॉपर्टी हमको मिली है इसमें। और इसमें जो जो मेन आरोपी है उसने एक नाम बताया, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि उस वो किस तरह से इससे लिंक में है और ये पैसा किस चीज़ के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि अभी MCC चालू है तो इसके बारे में हम ज़्यादा अभी कुछ बता नहीं सकते। और ये सीरियस इशू है क्योंकि सब चीज़ें मालूम होते हुए भी ऐसे कोई भी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोई भी कैश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता अंटिल अनलेस कि उसने जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बताया हो या उसके पास में लॉजिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स हों। तो इसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। देखिए अभी तक हमने कुल मिला के 1,48,47,00,000 रुपीज़ का मुद्देमाल जब्त किया है अभी तक। और उसमें सभी तरह, उसमें कैश भी है, उसमें जो अमली पदार्थ होते हैं वो भी है, उसमें बाकी जो सीज्ड उनके प्रॉपर्टीज है जिसमें व्हीकल्स हैं वो सब मिला के लगभग 1,48,70,147 रुपीज़ ऐसा है, जो कि अलावा है। ये 1,40,35 crore है वो इसमें एडेड नहीं है। तो अभी तक इतना हमारे पास में मुद्देमाल जब्त हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जो भी पैसा जैसे मैंने बताया गया उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है और स्पेशली अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उस समय तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा ही समझ के इसमें आगे कार्रवाई होती है। इसमें एक जैसे मैंने बताया कि एक जहाँ से लिया वो जो बोल रहा है, जो अभी हमारे पास में जो इंसान है उसने बताया कि उसने किसी से लिया था और किसी को देना था। अभी जो नाम, क्योंकि हम डिस्क्लोज कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, तो वो जिसको देना था वो कहाँ पे, क्यों और कैसे, और ये सही भी बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है कि नहीं, वो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पे कहीं हम बिल्कुल इन चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो है रेलवेज, जो हमारी लग्जरी बसेस हैं वो, और रोड्स, ये तीनों पे ही हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो कि 24 घंटे के लिए पॉइंट्स लगाए हुए हैं वो हैं। उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं हमारे वो भी इसमें घूम रहे हैं, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो वो जाके उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी जो है पैसा जो है अपनी सिटी में, शहर में ना आए, तो जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, जैसे नागपुर रूरल है, उनके जो बॉर्डर्स हैं मध्य प्रदेश के साथ में, वहाँ पे उनके बॉर्डर पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जो सिटी में है, सिटी में हमने भी अपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, लगभग 10 हमारे पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं। और उसके अलावा जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो भी 10 के करीब जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, और हमारी बाकी जो
जोनल डीसीपीज हों, एसीपीज हों, इंस्पेक्टर्स हों, इनके भी अपने पथक इसमें कार्रवाई कर रहे हैं।